बच्चों देखो यहाँ पर हमने ABCD लिख दिया है और मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा मुझे ये सही से पढ़ के बताएगा मैं उसे गिफ्ट दूंगा, चॉकलेट दूंगा और वो बच्चा बहुत ही अच्छा बच्चा रहेगा जो मुझे ये सब समझाएगा। ठीक है तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आपने भी ये वाली टीचर वाली कार्टून वीडियोस देख लिया है, किस प्रकार से बनी हुई है। ऐसे वीडियोस फ्रेंड्स आप भी अपने मोबाइल से बना सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स अच्छी बात यह है कि मान लीजिए फ्रेंड्स, अगर आप जो है कुछ किड्स यानी कि जो बच्चे लोग अगर आप पढ़ाना चाहते हैं या फिर बड़े को भी पढ़ाना चाहते हैं, और फ्रेंड्स एक कार्टून कैरेक्टर यानी कि जो टीचर रहेगा कार्टून कैरेक्टर उसके साथ में फ्रेंड्स आप बच्चों को जब पढ़ाओगे तो बच्चे भी बहुत ध्यान से वीडियो को देखेंगे और फ्रेंड्स अच्छे से उन्हें सीखेंगे भी। तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को कैसे बनाना है कंप्लीट मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही आसान है बनाना फ्रेंड्स, आप मिनटों में ऐसी वीडियोस बना पाओगे। तो कैसे बनाना है कंप्लीट मैं आपको इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो फ्रेंड्स उसके लिए करना क्या है, बस वीडियो को लाइक कर देना है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियोज़ बनाऊँगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और आप उसे देख पाओगे। तो फ्रेंड्स मेरा नाम अरविंद यादव है, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं न्यू ज्ञान सम्राट। तो फ्रेंड देर ना करते हुए चलिए। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको सबसे पहले एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है काइन मास्टर। जी हाँ फ्रेंड्स, ये वीडियो एडिटिंग एक एप्लीकेशन है, इसी के अंदर जो है हम फ्रेंड्स कार्टून वीडियोज बनाएंगे। ठीक है, तो क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पर क्रिएट न्यू लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स ये वाला रिसोर्स जो सिलेक्ट करना है और यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से फ्रेंड्स हम जो एक बैकग्राउंड ले लेते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स हमने एक बैकग्राउंड ले लिया है और फ्रेंड्स आप भी चाहो तो इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हो या फिर बैकग्राउंड अगर आप बनाना चाहते हो तो बना भी सकते हो। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि एक ब्लैक बोर्ड भी है बीच में, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा डाउनलोड किया था। मैं आपको अभी दिखा भी दूंगा कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप बना सकते हो, वो भी मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो देखिए इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप इसे इस तरीके से साइड में लेके एडजस्ट भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ पर बराबर भी क्लिक करके यहाँ ओके कर दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से हो चुका है। अभी फ्रेंड्स अगर जितनी दूर तक आपको वीडियोज़ बनानी है वहाँ तक आपको वीडियोज़ इसके लेंथ यहाँ तक ले सकते हैं। इसके बाद स्टार्टिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर लेयर पर आपको क्लिक करना है, मीडिया पर, और यहाँ से फ्रेंड्स हम एक और सिलेक्ट कर लेते हैं टीचर को। यहाँ पर देखिए हमने सेलेक्ट कर लिया ग्रीन स्क्रीन का फ्रेंड्स टीचर था, ये कहाँ पे आपको मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। सब कुछ फ्री है फ्रेंड्स, आपको कोई भी पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पर जब आप ले लेंगे तो यहाँ पर क्रोमा की पे क्लिक करना है, यहाँ से इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा आप एडजस्ट कर लीजिए, देखिए ठीक है, इसके कलर वगैरह को आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स आपको इसे थोड़ा बड़ा कर लीजिए, आप जैसा आप यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने बड़ा करके यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। अभी देखिए फ्रेंड्स अगर एक बार प्ले करते हो आप देखिए कैसा यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमने प्ले किया तो इस तरीके से ये बात करेगा और ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन को समझा रहा है। ठीक है, अभी लेकिन ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखा नहीं, तो अगर आप लिखना चाहते तो वो भी लिख सकते हैं, जो भी आपको क्वेश्चन होगा ना फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जैसे मैं ABCD लिखना चाहता हूँ तो यहाँ पर देखिए लेयर पर क्लिक करूँगा, यहाँ पर देखिए टेक्स्ट का ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से फ्रेंड्स हम कैपिटल लेटर में लिखते हैं ए स्पेस देते हैं BCND। ठीक है, इतना हमने ले लिया और यहाँ पर फ्रेंड्स इसे इस तरीके से जूम कर लेते हैं और यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए हमने ABCD यहाँ पर लिख दिया। अब इसकी भी लेंथ आपको वहाँ तक रखनी जहाँ तक आप बोलना चाहते हो। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स ये यहाँ तक बात करते रहेगा और आपको अगर एक्स्ट्रा चाहिए तो आप जो इसके आगे भी जो ऐड कर सकते हो, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना ही बता रहा हूँ। आप क्या हुआ देखिए फ्रेंड्स, ये कुछ बात तो नहीं कर रहा है लेकिन आप जब जैसे मुंह हिलाएगा यहाँ पर देखिए इशारे कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको बात करनी है। ठीक है, तो वो आप कैसे ऐड करोगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए एक रिकॉर्ड का ऑप्शन है फ्रेंड्स, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स आप जो भी समझाना चाहते हैं ABCD बोलना चाहते हैं यहाँ पर जो भी बोलेंगे फ्रेंड्स वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो समझ लीजिए कि फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इतना बात किया है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया हमने यहाँ पर इतनी सारी बात किया है, इसी तरीके से आपको भी बातें कर लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड जो वॉइस रिकॉर्ड हुई है फ्रेंड्स वो आपकी आवाज़ में रिकॉर्ड होगी। ठीक है, एक बार प्ले करके देखिए। बच्चों देखो यहाँ पर हमने, तो ये हमारी आवाज़ में रिकॉर्ड हुई थी, इसे हमें कार्टून में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर आपको क्लिक करना है और देखिए यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर फ्रेंड्स पिच को चेंज कर देना है। यहाँ पर अगर पिच को आप चेंज करोगे तो आवाज़ मोटी हो जाएगी और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आवाज़ पतली हो जाएगी बच्चों की तरह। तो चलिए हमें मोटी आवाज़ करनी तो हम चलिए यहाँ पर लेके आते हैं। अब देखिए प्ले करके सुनते हैं हम। बच्चों देखो यहाँ पर हमने ABCD लिख दिया है और मैं आप, तो देखिए फ्रेंड्स इस तरीके से आप आवाज़ पतली मोटी कर सकते हो पिच चेंज करके। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप कार्टून की जो वॉइस है वो चेंज कर सकते हो। म्यूजिक वगैरह ऐड करें तो म्यूजिक वगैरह भी ऐड कर सकते हो, लेकिन वैसे म्यूजिक की कोई ज़रूरत नहीं, अगर ऐड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ पर फ्रेंड्स हमने ऐड कर दिया। ठीक है,
अगर आप चाहते हो इसे और लंबा बना तो और भी लंबा बना सकते हो, बस मैं एग्जांपल के थ्रू आपको इतना समझा रहा था। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये वीडियो जो है डाउनलोड हो जाएगी आपके फ़ोन में। तो अभी फ्रेंड्स मान लीजिएगा अगर ये बैकग्राउंड आप नहीं बनाना चाहते हो, खुद का बैकग्राउंड यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे? देखिए अभी देखिए फ्रेंड न्यू क्रिएट पर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, ठीक है। तो अभी फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर इमेज पर जाएंगे, यहाँ से व्हाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। आप क्लासरूम का इमेज लेंगे तो बेटर रहेगा, यहाँ पर हमने इसे ले लिया फ्रेंड्स, ठीक है। इसकी भी लेंथ आप इंक्रीज कर सकते हो। अभी यहाँ पर ब्लैक बोर्ड आपको बनाना है तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर लेयर पर क्लिक कीजिए, मीडिया पे, और यहाँ से फ्रेंड देखिए इमेज का ऑप्शन है, यहाँ से कोई भी कलर का बैकग्राउंड सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक किए तो यहाँ पर देखिए ब्लैक कलर का आ गया है। आपको इसे क्रॉप करना चाहते हो तो क्रॉप भी कर सकते हो, इस तरीके से आप जितना बड़ा रखना चाहते हो फ्रेंड्स उतना बड़ा आप यहाँ पर रख सकते हो ब्लैक बोर्ड, ठीक है। ये देखिए मान लीजिए हम यहाँ पर इतना रखना चाहते हैं ब्लैक बोर्ड, और फ्रेंड्स यहाँ पर इसको भी हम यहाँ तक कर देते हैं। यहाँ पर फ्रेंड देखिए ब्लैक बोर्ड का फ्रेम नहीं है तो उसे हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। लेयर पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए ड्राइंग का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर फ्रेंड्स यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए आपको जैसा भी उसका कलर देना ना फ्रेंड्स वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने ये येलो रख दिया और यहाँ से फ्रेंड्स आप बड़ा छोटा जैसा करना चाहते करिए। और देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर ऐसे क्लिक करना है और यहाँ से फ्रेंड्स ऐसे तरीके से ऐड करना है, ठीक। और वापस बाद में यहाँ पर एडजस्ट कर लीजिए आप, देख लीजिए फ्रेंड्स हमने एक ब्लैक बोर्ड बैकग्राउंड बना दिया, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, वापस लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया पे, जैसे हमने फ्रेंड्स टीचर को लिया था कार्टून टीचर को उसी तरीके से वापस हम सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर आएंगे क्रोमा की पे, यहाँ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर इसे एडजस्ट कर लेंगे और इसे यहाँ पर सेट कर देंगे। आप चाहो तो इसे बड़ा भी कर सकते हो इस तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देखिए ये भी सेम उसी तरीके से बन चुका। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप खुद का भी बैकग्राउंड बना सकते हो या फिर आप कहीं से डाउनलोड करके भी खुद का बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हो। और ABCD लिखना तो मैंने आपको बता ही दिया था। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो कर सकते हो, लेकिन अब बात रही फ्रेंड्स ये जो कार्टून का जो टीचर है ये कैसे आप लाओगे ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। कहाँ से इसे आप डाउनलोड करोगे, ये सब फ्रेंड्स एकदम फ्री है, कोई कॉपीराइट आने वाला नहीं है आपको, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अगर आप फॉलो करेंगे या फिर फ्रेंड्स आप अपने गूगल में आके भी सर्च करेंगे ये वाली वेबसाइट का नाम, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सर्च का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, यहाँ पर आपको सर्च करना है ग्रीन स्क्रीन, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं ग्रीन स्क्रीन सर्च, यहाँ पर आप लिख दीजिए, यहाँ पर देखिए वीडियो ऑलरेडी है, ठीक है, सिलेक्टेड है। आपको यहाँ पर क्लिक करना है और सर्च कर लेना है। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कि वीडियो में फ्रेंड्स ग्रीन स्क्रीन की वीडियो यहाँ पर आ गई है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे कैरेक्टर आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स, देखिए कुछ कार्टून्स के हैं, कुछ एनिमल्स हैं, यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कुछ इस तरीके के भी हैं। जो भी पसंद आता है फ्रेंड्स इनमें से आप यूज़ कर सकते हो। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर 8 पेज हैं 8 पेज हैं, तो आपको नेक्स्ट पेज पर क्लिक करना अगर इस पेज पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर एक दूसरा पेज ओपन होगा, इसमें हम चेक कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड वाले में हमें मिल गए, यहाँ पर ये है, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड देखिए इस तरीके से आ गए। यहाँ पर फ्रेंड्स आप प्ले करके भी देख सकते हैं कि कैसा चल रहा है, यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए फ्री डाउनलोड लिखा, तो इसके ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कौन सी मतलब क्वालिटी में सिलेक्ट करना चाहते हैं आप, तो यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर फिर डाउनलोड पर क्लिक कीजिए, वीडियो डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप वीडियो डाउनलोड करके वहाँ पर जाकर इसे यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपको मान लीजिए कि क्लासरूम का सिलेक्ट करना है तो फ्रेंड्स यहाँ से आप क्लासरूम सिलेक्ट करेंगे और इमेज पर अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मिल जाते हैं, जो भी फ्री इमेजेस फ्रेंड्स आप उसे यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप जो है इस तरीके कार्टून वीडियो